आप देख रहे हैं आज तक। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। हाथरस की बिटिया को इंसाफ दिलाने की जो जंग शुरू हुई थी, वो जंग इंसाफ की मंजिल की ओर एक कदम और आगे बढ़ गई है। अब इस पूरे मामले में जांच योगी सरकार की बनाई एसआईटी कर रही थी अभी तक, लेकिन अब हाथरस में बिटिया के साथ हुई हैवानियत की जांच सीबीआई करेगी। सीबीआई ने जांच का जिम्मा संभाल लिया है। सामने आएगा बिटिया के साथ हुई हैवानियत का सच, सामने आएगी हाथरस में हुई क्रूरता की एक एक कहानी। अब खुलेगी हाथरस में हुई साजिश की हर परत, क्योंकि सीबीआई ने हाथरस केस की जांच अपने हाथ में ले ली। अब तक हाथरस की बिटिया के साथ हुई हैवानियत की जांच योगी सरकार की बनाई गई एसआईटी कर रही थी। एसआईटी ने बाकायदा पीड़ित परिवार के घर के बाहर डेरा डाल रखा है। पीड़िता के घर के बाहर एसआईटी ने कंट्रोल रूम बना रखा है, मगर अब एसआईटी से जांच का जिम्मा सीबीआई ने ले लिया है। हाथरस केस में पीड़ित परिवार शुरू से ही कह रहा था कि उसे पुलिस और एसआईटी पर भरोसा नहीं है। उसके बाद योगी सरकार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा की थी। सीबीआई जांच के लिए मंत्रालय से हरी झंडी मिली। अब सीबीआई इस मामले में जल्द ही एफआईआर दर्ज करेगी। सीबीआई के सामने चुनौतियां कई हैं, क्योंकि हाथरस मामले में अलग अलग तरह की आवाजें उठ रही हैं। एक तरफ पीड़ित हैं जो बार बार कह रहे हैं कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ न्यायिक जांच पर ही भरोसा है। दूसरी तरफ हाथरस कांड के जरिए दंगा फैलाने तक के आरोप सामने आ रहे हैं। ऐसे में सीबीआई हर पहलू की पड़ताल करेगी और हाथरस का सच सामने लाएगी। जितेंद्र बहादुर सिंह, हाथरस आज तक। लगातार इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी होती रही, और इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाथरस कांड को लेकर फिर से यूपी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, लिखा, देश में कई लोग दलित, मुस्लिम और आदिवासियों को इंसान नहीं समझते। राहुल गांधी ने आगे लिखा, मुख्यमंत्री और पुलिस नहीं मानते कि किसी के साथ रेप हुआ, क्यों उनके लिए और कई लोगों के लिए वो कोई थी ही नहीं। जितेंद्र बहादुर सिंह, शिवेंद्र श्रीवास्तव, दोनों इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलेंगे सीधा हाथरस, क्योंकि वहीं से अब सीबीआई ने अपनी जांच की शुरुआत करनी है। 14 सितंबर वो दिन जब घटना घटी, 29 सितंबर वो दिन जब मौत हो गई, 30 को एसआईटी बनाई गई और फिर उसके बाद सीबीआई जांच की सिफारिश। हालांकि अभी जांच एसआईटी कर रही है। पहला सवाल जितेंद्र आपसे, जरा क्लियर कीजिए, अगर आज सीबीआई पूरे मामले को टेक ओवर करती है तो क्या यह समझा जाए कि अब एसआईटी अपनी जांच को आगे नहीं बढ़ाएगी, यानी आज से सीबीआई ही इस पूरे मामले को देखेगी, जांच करेगी? देखिए नवजोत, डीओपीटी का जो नोटिफिकेशन आया है उसके मुताबिक सीबीआई ने इस पूरे मामले की जांच अपने हाथों में ले ली है, यानी कि सीबीआई जांच ये शुरू हो चुकी है। अब सीबीआई की एक प्रक्रिया होती है, सीबीआई इस पूरे मामले को लेकर के जो यहां की हाथरस पुलिस है उन तमाम लोगों से इस पूरे मामले की जो एफआईआर है उस एफआईआर को अपने हाथों में लेगी। इसके अलावा एसआईटी की जो टीम है उन्होंने किस तरीके की जांच की है उन लोगों से भी सीबीआई की टीम मुलाकात करेगी, फिर सीबीआई इस पूरे मामले में एक नई एफआईआर दर्ज करेगी और उसके बाद ही इस पूरी प्रक्रिया को लेकर के सीबीआई की जो टीम है, सीबीआई के जो अधिकारियों की एक जो टीम नियुक्त की जाएगी वो पूरी टीम फॉरेंसिक टीम के साथ हाथरस गांव के बुलगढ़ी का दौरा कर सकती है और जैसे ही वो लोग एफआईआर दर्ज करेंगे उनकी टीमें गठित की जाएंगी और इस पूरे मामले को बड़े स्तर पर छानबीन की जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि परिवार वाले लगातार इस बात को लेकर के कह रहे हैं कि उनको पुलिस पर भरोसा नहीं है, उनको एसआईटी पर भरोसा नहीं है। उनका यह कहना था कि इस पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं, जो सिटिंग जज हैं, उनकी निगरानी में होना चाहिए। तो सीबीआई जांच अब इस पूरे मामले में शुरू हो चुकी है, यानी कि सीबीआई ने इस पूरे मामले को अपने हाथों में ले लिया है। लेकिन जो आगे की प्रक्रिया है उसमें ये पूरी जो एफआईआर दर्ज होगी, एफआईआर दर्ज होने के बाद पूरा जो सीन ऑफ क्राइम है उन तमाम जगहों पर सीबीआई की टीम जाएगी और उसके बाद इस पूरे मामले की बड़े स्तर पर तफ्तीश करेगी। सीबीआई देश की सबसे पेशेवर एजेंसी है और इनके पास वो ऐसे तमाम टूल्स हैं जिनके आधार पर वो छानबीन करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। जितेंद्र बहादुर सिंह रहिए हमारे साथ, शिवेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र,
80 गवाह, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स, आईटी एक्सपर्ट्स ने जो कुछ भी अभी तक जानकारी दी है, तमाम कॉल डिटेल्स और इसके अलावा पुलिस के पास जितनी गवाहियां हैं, इन सब को मिलाकर अब आगे सीबीआई जांच करेगी, क्योंकि खबरें ये भी आ रही थी कि क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जा सकता है अगर सीबीआई की जांच आज से शुरू होगी। पहली बात, जैसे जितेंद्र भी बता रहे हैं, उन सारी चीजों को एक साथ इकट्ठा किया जाएगा, क्या क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, क्या परिवार, आपकी अगर बात हुई हो, क्योंकि परिवार तो शुरू से कह रहा था कि न्यायिक जांच हो, सीबीआई जांच पर परिवार कह रहा था कि नहीं चाहिए उनको जांच, क्या कह रहा है अब इसके बाद परिवार? देखिए नवजोत, परिवार की भी बात बताएंगे, लेकिन उससे पहले सीबीआई किस तरह से शुरू करेगी मैं बताता हूं आपको। सीबीआई को कल शाम को नोटिफिकेशन दिया गया है, सीबीआई के दस्तावेज और जो फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद सोमवार को यहां पर सीबीआई की टीम आएगी पहली बार और वो जांच शुरू करेगी। और सीबीआई अपने तरीके से जांच शुरू करती है और साथ ही साथ जो एसआईटी की जांच चल रही है वो भी चलती रहेगी, क्योंकि 16 तारीख को उनको रिपोर्ट यूपी गवर्नमेंट को देना है, जिसमें पुलिस वालों की लापरवाही और किस तरह से लीनियंसी हुई उन सब पर रिपोर्ट देनी है, वो अलग एक जांच है। लेकिन इस दौरान जो पूरा मामला है, जिस मामले के लिए सीबीआई जांच कर रही है, जो परिवार की तरफ से पहली एफआईआर दर्ज हुई थी, उस पर अपनी जांच केंद्रित करते हुए आगे बढ़ेगी। तो जितनी भी दस्तावेज, जितने भी सबूत, जितने भी गवाह, जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है, वो जितना किया गया होगा एसआईटी की तरफ से, लोकल पुलिस की तरफ से, वो सब सीबीआई को हैंड ओवर किया जाएगा। सीबीआई अपने स्तर पर जांच शुरू करेगी और जैसे जैसे उसके सामने तथ्य सामने आएंगे, उन तथ्यों के आधार पर आगे की जांच बढ़ाती जाएगी। लेकिन एसआईटी को भी साथ में अपनी जांच करनी होगी, हालांकि उसकी जांच अब केंद्रित रहेगी सिर्फ पुलिस वालों की, जो रोल था उस पर, और वो यूपी गवर्नमेंट को जवाब देना है, इसलिए यूपी गवर्नमेंट के पास रिपोर्ट जाएगी। और जाहिर सी बात है, ये एसआईटी की रिपोर्ट जो है उसको भी अपनी जांच में शामिल सीबीआई करेगी, लेकिन दोनों का रोल थोड़ा अलग अलग रहेगा। इसके अलावा जो परिवार, पीड़ित परिवार बात कर रहा था, पीड़ित परिवार ने सीबीआई जांच से मना किया था, उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कराया जाए, लेकिन यूपी गवर्नमेंट कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। आपको बता दें कि आज परिवार को लेकर के जो एसआईटी है, जो पुलिस वाले हैं, वो जाएंगे लखनऊ, क्योंकि उनको कल सोमवार को परिवार को कोर्ट के सामने पेश करना है। तो कोर्ट के सामने पेश करने से पहले सरकार और जो जांच एजेंसी है वो ये चाहती है कि उनके पास हर बात का जवाब रहे कोर्ट को संतुष्ट करने के लिए, तो वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। इसीलिए कल शाम को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, ताकि जब कोर्ट में जाएं तो वो अपनी तरफ से हर दलील दे सकें कि हमने हर तरीके का पुख्ता इंतजाम कर रखा है। हालांकि इस पर बड़ी कंट्रोवर्सी, बड़ा विवाद हो रहा था कि आखिरकार एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त क्यों लिया गया सीबीआई की जांच शुरू करने के लिए, नोटिफिकेशन क्यों जारी नहीं किया गया। इसलिए सरकार उस एम्बैरेसमेंट से भी बचना चाहती है, इसलिए शाम को ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। और अब आगे सीबीआई जो जांच करेगी, उसमें तमाम तथ्यों को अपने तरीके से फोरेंसिक, टेक्निकल, सीसीटीवी और जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस है, उनके जरिए जांच को आगे बढ़ाएगी। बहुत अहम, सीबीआई की जांच भी चलेगी और एसआईटी की भी चलेगी, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर देखिए, कांग्रेस अब लगातार हाथरस कांड पर हल्ला बोल रही है। यूपी के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा है कि यूपी सरकार लगातार केस को दूसरे तथ्यों से जोड़ रही है और इसे तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश हो रही है। उत्तर प्रदेश की जो हालात है वो बद से बदतर है। महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर एक स्थिति पर है। जिस तरह के विभत्स घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही है, खासकर महिलाओं के ऊपर, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का चाल, चरित्र और चेहरा सरकार का उत्तर प्रदेश और देश के सामने है। हाथरस की घटना को बार बार तोड़ मरोड़ कर पेश करना, दूसरे तरफ ले जाने का प्रयास करना, दूसरे तथ्यों से जोड़ना, ये अपने आप में सरकार की विफलताओं को पूरी तरह प्रकाशित करता है। सरकार को घटनाओं से सबक लेते हुए कड़ी कार्रवाई की व्यवस्था करनी चाहिए। और इस बीच ये भी बताया कि हाथरस कांड में आरोपियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के एपी सिंह केस लड़ेंगे और एपी सिंह निर्भया केस में भी आरोपी के वकील रह चुके हैं और इसी केस में खर्च क्षत्रिय महासभा उठाएगी और एपी सिंह ने कल गांव जाकर आरोपी के परिवार से बात की। इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, सबसे पहले जो एफआईआर हुई वो अंडर सेक्शन 307 हुई, पीड़िता के भाई ने बयान लिखे, उसके आधार पर एफआईआर दर्ज हुई। उसमें कहीं रेप नहीं, जब रेप नहीं तो गैंग रेप कहाँ से, वो नहीं उसमें। और उसके बाद जो मेडिकल रिपोर्ट आई, एमएलसी रिपोर्ट आई, सीएफएसआर, उसमें कहीं भी रेप नहीं है। अंडर सेक्शन 307 में केस रजिस्टर हुआ। उसके बाद फिर राजनीति शुरू हुई,
राजनीति शुरू होते होते कि ऑनर किलिंग के केस को जातिवादी हिंसा का बहुत बड़े लेवल तक ले जाया गया। इस तरह से ये SC ST एक्ट का इस केस में पूरी तरह से दुरुपयोग किया गया है, मिसयूज किया गया है और केस को जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के आधार पर नहीं लड़ा जा सकता, केस को केस की तरह लड़ा जाए। शिवेंद्र और जितेन दोनों इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, आपके पास आऊंगी। जितेन बहादुर सिंह, देखिए बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में न्याय मिलना चाहिए, यही बात सरकार कह रही है, यही बात परिवार कह रहा है और यही बात समूचा विपक्ष भी, जो बार बार वहां गए अपनी सियासत चमकाने के लिए, उन्होंने भी यही बात कही। लेकिन जब न्याय की बात आती है तो जो आरोपी हैं वो भी यही मांग कर रहे हैं कि उनको भी न्याय मिले। अब सबसे पेचीदा सवाल तो यही हो जाएगा कि न्याय किसको मिलेगा, बात यह कि हत्या किसने की, कैसे हुई, और न्याय की बात CBI के लिए बड़ा चैलेंज यह भी रहेगा। बिल्कुल नवजोत, CBI के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा क्योंकि दोनों परिवार, परिवार वर्सेस परिवार हो रहा है। जो आरोपी परिवार हैं उनकी तरफ से जो मुख्य आरोपी है संदीप, वो जेल से चिट्ठी लिखता है और ये कहता है कि वो बेगुनाह है, वो लोग निर्दोष हैं। बाकी जो परिवार से जुड़े हुए तीन और आरोपी हैं उनका भी यही कहना है। वहीं जो पीड़ित परिवार है वो लगातार न्याय की गुहार कर रहा है, उनका ये कहना है कि कॉल डिटेल्स आती हैं, उस कॉल डिटेल्स को लेकर के जब आज तक ने पीड़ित परिवार से बातचीत की तो उनका ये कहना है कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है। तो इन तमाम चीजों को लेकर के लगातार दोनों पक्ष अपनी अपनी दलील दे रहे हैं। CBI को इसमें देखना होगा क्योंकि CBI एक ऐसी एजेंसी है जो कि प्रोफेशनल एजेंसी है, जिसके पास ऐसे टूल्स होते हैं, जो कि पेशेवर एजेंसी है, जिसके पास ऐसे फॉरेंसिक एक्सपर्ट होते हैं जिनके आधार पर वो बेहतर जांच कर सकती है। और इसी बात को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि CBI इस पूरे मामले की जांच करेगी। हालांकि परिवार वाले ये कह रहे हैं कि अगर इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट के जो सिटिंग जज हैं उनकी तरफ से किया जाएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए भी राजी है और उनका यह कहना है कि कोई भी इसको मॉनिटर कर सकता है। ऐसे में उस पीड़िता बेटी को न्याय चाहिए होगा, किस तरीके से जो परिवार वाले लगातार इस पूरे मामले को लेकर के पिछले 26-27 दिनों से लड़ रहे हैं, उन तमाम चीजों को लेकर के अब जिस तरीके से जांच एजेंसी को, जो सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, उसको दिया गया है पूरा मैटर और उसमें अब दूध का दूध पानी का पानी अलग होगा। दोनों परिवार एक दूसरे के ऊपर अभी भी आरोप प्रत्यारोप लगाने के ऊपर जुटे हुए हैं, लेकिन एक ही सवाल निकल करके सामने आता है कि पीड़िता जो परिवार है उसको कब न्याय मिलेगा और जो लोग इसमें शामिल हैं, जो गुनहगार हैं, उनको कब सलाखों के पीछे ले जाया जाएगा। हालांकि जो FIR दर्ज हुई थी उसके आधार पर जो आरोपी हैं वो जो जेल में इस वक्त बंद हैं, लेकिन असल में न्याय चाहिए और ये दोनों परिवार अपनी तरफ से आवाज उठा रहे हैं। सवाल तो सबसे बड़ा यही कि कत्ल किसने किया। आप रहिए हमारे साथ, शिवेंद्र भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। इस बीच ये भी बताएं कि यूपी पुलिस की SIT बहुत दिन से हाथरस कांड की जांच कर रही है और तमाम लोगों से सवाल जवाब भी किए जा रहे हैं, लेकिन यूपी पुलिस से लेकर SIT की जांच तक बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर किसने हाथरस की बिटिया का कत्ल किया। ये लोग, इन लोगों ने पहले से साजिश रची होगी। मैं, मेरे बेटे निर्दोष हैं। फांसी चाहिए हमें तो। ये झूठा इल्जाम लगाए हो तो देख, दोषी हो तो सजा दे। हाथरस कांड को 26 दिन हो गए, पहले जिले की पुलिस, फिर यूपी पुलिस की तेज तर्रार SIT और अब CBI मामले की जांच कर रही है। लेकिन कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब अभी मिलने बाकी हैं। हाईकोर्ट भी मामले में दखल दे चुका है, सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। पूरे देश की नजर इस पर है कि इस रहस्यमय मामले में आखिर सच क्या है। अब तक इस सवाल का जवाब सामने आना बाकी है कि पीड़िता को बर्बर तरीके से मारने वाला कौन था और पीड़िता को इंसाफ कैसे मिलेगा। अब तक मामले की जांच SIT कर रही थी। 14 सितंबर का सच जानने के लिए जो SIT मशक्कत करती रही उसके निशाने पर थे पूरे 40 लोग। जी हां, गांव के 40 लोगों से सवाल किए गए या किए जाने हैं। ये सभी षड्यंत्रकारी बेनकाब होंगे और बेनकाब होने के अलावा कानूनन कार्रवाई भी सख्ती के साथ ऐसे तत्वों के साथ हम लोग करेंगे जो लोग समाज के माहौल को खराब करके, समाज में जातीय विद्वेष पैदा करके, अराजकता पैदा करके, विश्वमन करके विकास को अवरुद्ध करना चाहते हैं। उस दिन खेतों में काम करने वाले लोगों से लेकर आसपास के खेत वाले भी
इन 40 लोगों में शुमार हैं। आरोपी और पीड़िता के घर वाले तो इनमें हैं ही। अब आपको बताते हैं कि कौन से हैं वो सवाल जिनका जवाब अभी मिलना बाकी है। 14 सितंबर को खेत में लड़की को किसने मारा? लड़की ने पहले दिन वाले बयान में बलात्कार की बात क्यों नहीं की? लड़की ने आखिरी बयान में बलात्कार की बात की, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट उल्टी क्यों है? 29 सितंबर को उसकी मौत के बाद आनन फानन में रात के अंधेरे में उसकी लाश क्यों जला दी गई? क्या किसी सच को छुपाया जा रहा है? सबसे ज्यादा पेचीदगी इस आधी रात के अंतिम संस्कार की वजह से ही आई। ये बॉडी जल रही है और पुलिस फोर्सफुली, इस वक्त पे करीब 3 बज रहा है रात का, और पुलिस फोर्सफुली बिना किसी परिवार के सदस्य के प्रेजेंस के बिना यहाँ पे बॉडी को लेकर आई और बॉडी को जला दिया। जिस सच की तलाश में SIT जुटी थी, अब उसी की तलाश CBI करेगी। SIT की अब तक की पड़ताल से जाहिर तौर पर CBI को मदद भी मिलेगी, लेकिन एक बड़ा पेंच ये भी है कि पीड़िता के परिवार को CBI जांच पर ही भरोसा नहीं है। CBI हाथरस में पहुंचेगी, इस केस का पूरा इन्वेस्टिगेशन करेगी, वो आप लोग को नहीं चाहिए। जी नहीं चाहिए। क्यों ऐसा आप लोग बोल रहे हैं? कहीं ना कहीं क्या भरोसा नहीं है CBI पे भी? सर, CBI पे नहीं भरोसा, नहीं भरोसा, क्योंकि वो भी हमें लग रहा है कि ऐसा ही कहीं नहीं चाहिए मैम CBI नहीं चाहिए तो फिर कौन जांच करेगा? कैसे जांच आगे बढ़ेगी फिर बताइए? मुझे नहीं पता मैम, CBI जांच नहीं चाहिए हम लोगों को। CBI जांच नहीं चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में हमारे जज के जरिए से फैसला, सुप्रीम कोर्ट के जज करें, उनकी निगरानी में रहकर ये फैसला होना चाहिए। अब CBI को चश्मदीदों से लेकर फॉरेंसिक जांच जैसे सबूतों के आधार पर सच तक पहुंचना होगा। काम आसान नहीं है, लेकिन देश की सबसे पेशेवर जांच एजेंसी तह तक पहुंचेगी, इसका यकीन किया जा सकता है। लखनऊ से अभिषेक और शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, हाथरस आज तक। परिवार ने CBI जांच से इनकार किया, लेकिन जांच अभी तक हर वो शख्स कर रहा है, हर वो एजेंसी कर रही है जिसको परिवार कह रहा है कि उनसे जांच नहीं चाहिए। शिवेंद्र, बड़ा सवाल यहां पर यह भी कि नाको टेस्ट की भी बात आई थी, परिवार ने उससे भी इनकार कर दिया था। अगर CBI की जांच शुरू होती है तो अभी तक की जितनी भी बातें आई, क्या उन सब पर विचार किया जाएगा? क्योंकि पूरे मामले में बहुत ज्यादा लूपहोल्स हैं। देखिए नवजोत, ये बिल्कुल साफ है कि CBI जब जांच करेगी शुरू, तो वो अपने तरीके से तमाम सबूतों और बयानों को इकट्ठा करेगी, चाहे उसमें लाई डिटेक्टर की बात हो, नार्को की बात हो, किसी की गवाही की बात हो, डॉक्यूमेंट की बात हो, फोरेंसिक की बात हो, हर एक चीज को शामिल करेगी। और UP गवर्नमेंट ने जो नार्को टेस्ट की बात की थी, उसके पीछे सीधी मंशा ये थी कि लगातार सवाल उठ रहे थे कि क्या पीड़ित पक्ष कुछ छुपा रहा है, क्या पुलिस वाले कुछ छुपा रहे हैं या आरोपी छुपा रहे हैं, तो नार्को टेस्ट से वो सच सामने लाना चाहते थे। इसीलिए पहली बार शायद ऐसा हुआ यूपी के इतिहास में कि पीड़ित परिवार का भी नार्को कराने की बात हुई, हालांकि परिवार तैयार नहीं हुआ। लेकिन CBI जब जांच करेगी, अगर उसको कहीं लूपहोल मिलता है, अगर कहीं उसको ऐसा शक होता है कि परिवार कुछ झूठ बोल रहा है या छुपा रहा है, तो उसके लिए नार्को समेत तमाम दूसरे और एविडेंस इकट्ठा करने के तरीकों को इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही एक रास्ता बचता है कि हर एक पहलू से जांच की जाए, क्योंकि 14 सितंबर से लेकर के आज 11 अक्टूबर तक बहुत लंबा वक्त, लगभग एक महीने का वक्त बीत चुका है। कहीं कोई सबूत न नष्ट हो गए हो, कहीं कोई टेक्निकल एविडेंस ना खराब हो गया हो, इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए CBI को हर एक पहलू से जांच करनी होगी। और वैसे भी CBI के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में यह है कि वो हर एक चीज, फोरेंसिक रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, CCTV, लोगों के बयान, डॉक्यूमेंट, सारे गवाही, सब चीज शामिल करे ही करे। और इसीलिए वो अपने तरीके से पहले FIR दर्ज करेगी, SIT और दूसरी पुलिस वालों से सारे कागजात लेगी, उनकी फाइंडिंग्स की रिपोर्ट लेगी और उसके आधार पर अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी। और वो इंडिपेंडेंट तरीके से होगा, जिसमें परिवार वाले, पीड़ित, आरोपी पक्ष सबकी बातों को शामिल किया जाएगा और उसके आधार पर आगे की जांच बढ़ेगी। तमाम ऐसे को फॉलो करते जी, आप दोनों हमारे साथ रहिए। बहरहाल ये भी बताएं कि हाथरस कांड में पीड़िता के घर पर रहने वाली एक महिला पर भी सवाल उठे। आरोप लग रहा है कि ये महिला पीड़ित परिवार को बरगला रही थी और गड़बड़ी करने की कोशिश कर रही थी। बवाल मचा तो खुद महिला सामने आ गई। क्या है पूरा मामला, देखिए और समझिए इसे। भाभी 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 बोलेंगे, क्या बातचीत हुई है, क्या बातचीत हुई है बताइए, SIT की टीम से क्या बातचीत हुई है? हम महादेव बताइए बताइए। 3 अक्टूबर को आज तक संवाददाता चित्रा त्रिपाठी के सामने SIT जांच की परतें खोलती
ये हाथरस की पीड़िता की असली भाभी। आप लोग सीबीआई जांच चाहते हैं? नहीं, सीबीआई जांच नहीं चाहते। नहीं चाहिए हमें सीबीआई। और ये वो रहस्यमय महिला है जिसकी हाथरस में मौजूदगी सवालों के घेरे में आ गई है। ये दोनों महिलाएं अलग है, एक हाथरस की पीड़िता की असली भाभी है तो वहीं दूसरी वो महिला है जिस पर परिवार को बरगलाने का आरोप है। मेरा ये मानना है प्राइमरी एविडेंस के तौर पर जब पीड़िता का डाइंग डिक्लेरेशन है तो आपको क्या लगता है कि उसके बाद हमें अदर एविडेंस की जरूरत है या नार्को टेस्ट की जरूरत है? आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मैं हाँ बहन हूँ मैं। दरअसल राजकुमारी नाम की महिला न सिर्फ पीड़ित परिवार के साथ थी बल्कि उनकी आवाज बनी हुई थी। 6 अक्टूबर को सीपीआई महासचिव सीताराम येचुरी के परिवार से मुलाकात के दौरान का ये वीडियो देखिए। आने वाली पीढ़ियों के लिए आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ठीक है। और हमारा एक ही मतलब ना? बिल्कुल, मैं अभी मामनर्ता की दृष्टि से आई, मेरा कोई खून का रिश्ता नहीं है इस परिवार से, लेकिन मैं पिछले 3 दिन से यहाँ पर हूँ इनके साथ में कि मैं आपकी लड़ाई आखिरी तक लड़ना चाहूंगी, मैं अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपनी बच्चियों के लिए, क्योंकि अब सहनशीलता खत्म हो गई सर, अब बस इससे ज्यादा नहीं सह सकते अब हम। आज तक संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह ने पीड़िता के परिवार से इस महिला की पहचान और उसके परिवार से रिश्तों को लेकर सवाल पूछे तो बताया गया कि राजकुमारी बंसल दूर की रिश्तेदार हैं और जबलपुर से आई थी। रिश्तेदार है वो हमारे। कहाँ के रहने वाले? जबलपुर से हैं। कैसा रिश्ता है उनसे? कैसा रिलेटिव है, दूर के रिश्ते में है वो, सारे रिश्ते खून से ही थोड़े ना होते हैं। यानी परिवार महिला को जानने का दावा कर रहा है, अता पता भी बता रहा है, ये भी कह रहा है कि उन्हें भड़काने वाली सारी बातें कोरी कल्पना है। पता चल रहा है कि वो सबको, आपको, घर वालों को बहुत सारे चीजें बता रही थी कि ऐसे बोलना ऐसे बोलना इस तरीके से। सब गलत है, क्या हम लोग 6 महीने के बच्चे हैं, अपना अच्छा बुरा जानते नहीं है, जो कि वो कोई बाहर से आके हमें सिखाएगा तब हम लोगों को पता चलेगी। क्या बेटी मर गई वो भी हम लोग नहीं जानते कि मतलब हमारे घर में मौत हुई है या ऐसा सब कुछ चल रहा है, शादी चल रही है, हम लोग जानते नहीं हैं, कोई आके हमें सिखाएगा? कौन बोल कौन रहा है इस चीज को, हमने मतलब सिखा रहे हैं कोई आके, मतलब हम लोग खाना पीना नहीं खाते। वो हंगामा मचा तो राजकुमारी बंसल ने खुद पर लगे तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। आरोप लगाए कि उनके फोन को टैप किया जा रहा है और उन्होंने बाकायदा जबलपुर के साइबर सेल में इसकी शिकायत भी दर्ज कराई है। तो उसके लिए सबूत पेश करें, कोई कौन सी लाइन बोली, किसने भड़काया, थोड़ा सा सबूत तो देना पड़ेगा कि मैडम आपने ये लाइन बोली, क्योंकि आरोप तो कोई भी लगा सकता है, कोई भी किसी पे लगा सकता है, आरोप को आपको तो क्लियर तो करना पड़ेगा ना, मुझे पता ही नहीं है कि किस कौन सा आरोप लग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पीड़िता के परिवार की सुरक्षा पर सवाल पूछे हैं। पूरा गांव छावनी में तब्दील हो गया है, पीड़िता के घर के पास सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। 12 अक्टूबर को पीड़िता के परिवार की इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने पेशी भी है, ऐसे में किसी भी संदिग्ध शख्स की पीड़िता के घर पर मौजूदगी गंभीर सवाल है। ऐसे में किसी महिला का परिवार के बीच अचानक रहना और फिर गायब होना शक पैदा करता है। जितेंद्र बहादुर सिंह, हाथरस, आज तक। जितेंद्र और शिवेन दोनों हमारे साथ है। जितेंद्र, मिस्री महिला कौन है ये? नवजोत, इनके बारे में लगातार आज तक की भी टीम ट्रैक कर रही थी, क्योंकि जब शुरुआत में मैंने इनको देखा तो इनके बारे में हम लोगों ने जानकारी हासिल करने की कोशिश की परिवार वालों से, तो परिवार वालों के अलग अलग तरीके के बयान आ रहे थे। उनका ये कहना है कि हमारे रिश्तेदार हैं, फिर बाद में आया दूर के रिश्तेदार हैं, लेकिन यहां जो स्थिति है कि इनका नाम राजकुमारी बंसल है और ये अपने आप को बताती हैं कि हम यहां डॉक्टर हैं जबलपुर में, और उसी हिसाब से ये यहां पर पहुंची थी परिवार वालों को न्याय दिलाने के लिए। सही बात है, न्याय मिलना चाहिए परिवार वालों को, लेकिन पुलिस प्रशासन इनके ऊपर लगातार नजर रख रही थी। जब हमने पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर से बातचीत किया तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये महिला घर में रह रही थी, उनके बारे में ये भी पता चला है कि वो बहुत सारी चीजें परिवार वालों को बता रही थी कि किस तरीके के बयान देना है। उसके बाद जब पुलिस को शक हुआ तो इनसे पूछताछ की गई, पूछताछ करने के क्रम में ये महिला 6 तारीख की शाम को यहां से निकल गई, तो अब इनके बारे में तफ्तीश की जा रही है। पुलिस ये जानकारी
जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रही है कि आखिर किस तरीके से परिवार वालों के बीच में रही है। हालांकि परिवार वाले लगातार ये कह रहे हैं कि दूर के रिश्तेदार हैं, उनके घर वालों की जो रिश्तेदारी है वो जबलपुर में है, इंदौर में है, भोपाल में है, अलग अलग जगहों पर है। लेकिन इस महिला के बारे में भी ये कोशिश की जा रही है, पुलिस जो यहाँ की है, चाहे क्राइम ब्रांच हो यहाँ हाथरस की, इसके अलावा जो स्पेशल पुलिस है वो लगातार ये छानबीन करने की कोशिश कर रही कि आखिर यहाँ इनका रहने का मकसद क्या था, किस मतलब से यहाँ पर रह रही थी और किस तरीके से परिवार वालों को अलग अलग बातें बता रही थी कि कैसे बातचीत करना है। तो ये तफ्तीश का विषय है और इसकी जांच की जा रही है इस वक्त। शुक्रिया जितेन बहादुर सिंह और शिवेंद्र श्रीवास्तव, दोनों इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। सीबीआई ने पूरा केस अब टेक ओवर कर लिया, कैसे अब तफ्तीश आगे बढ़ेगी इस पर लगातार आज तक की नजर बनी। लेकिन यह भी आपको बताएं कि हाथरस केस में पीड़ित के साथ हुई दरिंदगी को लेकर पूरे देश में गुस्सा भी है और जिस तरीके से उसे मारा गया और रात के अंधेरे में उसको जलाया गया, उसे लेकर शिमला से लेकर चेन्नई तक कहीं लोग सड़कों पर हैं तो कहीं प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, शिमला, पंजाब के अलग अलग इलाकों में हर जगह पर इंसाफ की आवाज उठ रही है। और इस बीच सीबीआई अपनी जांच शुरू करेगी, अपने तरीके से सीबीआई जांच करेगी। अभी तक जितनी भी जांच हुई है, चाहे वो पुलिस और एसआईटी टीम ने की हो, वो सभी सबूत और सभी साक्ष्य जुटाए जाएंगे और फिर उसी को लेकर, उसी को आधार बनाकर सीबीआई अपनी तरफ से भी तफ्तीश करेगी और उन मामलों पर भी गौर करेगी। और उसके अलावा एसआईटी की टीम अलग से अपनी जांच को जारी रखेगी, जिसमें वो पुलिस की भूमिका को लेकर अब जांच आगे करेगी। तो 9 बजे में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आगे बढ़े उससे पहले नजर सुर्खियों पर। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।